हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विकास सिंह। सो आज है फैशन फ्राइडे और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अनदर हॉल वीडियो। सो आज मैं कुछ मैंने M&S से और डिफरेंट डिफरेंट स्टोर से कुछ परचेज किया था। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आई होप आप लोगों को पसंद आए। ये हॉल करने का रीजन ये होता है कि मैं आपको कुछ सजेशंस दे सकूं। सो सबसे पहले मैंने मार्क एंड स्पेंसर से कुछ चीजें ली हैं। सो सबसे पहले ये मैंने एक टी शर्ट ली है, लाइक इसमें आई थिंक पता नहीं 100% कुछ ऐसी 100% प्रूफ नहीं 100% प्राउड लिखा हुआ है इसमें। और ये ग्रेश कलर की ये बहुत अच्छी थी और ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही थी। लाइक सोचिए आप, मार्क एंड स्पेंसर में मैंने ये 1.5 pound में ली थी। सो आई रियली लाइक इट। थोड़ी सी लूज है मेरे लिए बट घर में पहनने के लिए बहुत अच्छी है। सो दैट्स व्हाई मैंने ये ली थी। और मैंने इसमें एक और कलर पिक किया था, वो ये है, सी बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। सो ये भी थोड़ी सी बड़ी है मेरे लिए बट इट्स ओके, चल जाता है। सो ये मैंने घर के लिए ली है। ये दोनों टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती है, ये सेम प्राइस में मिली है। इसका अभी मैंने इनको पहनना चालू नहीं, हाँ ये मुझे 1.5 pound में मिली है। सो अभी मैंने इनको पहनना स्टार्ट नहीं किया है। सो मैंने ये लिया था और सेकंड मैंने एक लोवर लिया था कॉटन टाइप मटेरियल में, लाइक जिस नेवी ब्लू लोवर। इसमें इधर से इलास्टिक है, ये तरीके से इस तरीके से है ये। इसमें पॉकेट्स भी हैं, लाइक बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत ब्रीदेबल है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। सो मैंने ये भी पिक किया और ये भी मुझे अराउंड, ये भी मुझे 1.5 pound में मिला। सो मैंने ये टी शर्ट और ये लोवर घर में पहनने के लिए लिया है और मैं आपको अभी पहनकर भी दिखाऊंगी कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है। सो इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ये कॉटन मटेरियल है और ये हॉजरी टाइप की टी शर्ट्स है, कॉटन हॉजरी टी शर्ट। सो ये भी मुझे बहुत पसंद आई। सो ये और ये मैं आपको अभी वेयर करके दिखाती हूँ। इसके बाद मैंने मार्क एंड स्पेंसर से पिक किया था ये टॉप। थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, मैं अच्छे से शो नहीं कर पा रही बट ये कुछ इस तरीके से है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो इस तरीके से, यहाँ पर बटन लगा हुआ है, स्लीव्स में कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरी है। ये बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी है, इसीलिए मैंने इसको पिक किया था क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ये यहाँ पर फ्रंट में भी यही इसी तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ बूटी और बाकी प्लेन है। और आई थिंक ये जो कपड़ा, इसका जो मटेरियल है वो आई थिंक जॉर्जेट मटेरियल है, आई डोंट नो कौन सा मटेरियल बोलते हैं इसको, बट बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे पहनने पर। और मेरे पास वाइट कलर का इस तरीके का टॉप था नहीं, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको पिक किया और ये मुझे मिला था 7 pound में। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। सो मैंने ये पिक किया है, अब ये भी आप देख लो कि ये मुझ पर कैसे लग रहा है। इसके बाद मैंने लिया था एक स्वेटर टाइप का टॉप, लाइक दिस। इसका ये जो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं बट इस तरीके का है ये, और सिंपल प्लेन मिंट कलर है। इस कलर, ये कलर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सो इसलिए मैंने इसको पिक किया था और ये मुझ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो दैट्स व्हाई मैंने ये एक टॉप पिक किया था और ये मुझे 5 pound में मिला था और ये अभी भी अवेलेबल है, लाइक बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है बट आई थिंक सेल में नहीं है। ये मुझे सेल में 7 pound में मिला था। एक्चुअली मैं इसको बहुत ज़्यादा वेयर कर चुकी हूँ, सो ये थोड़ा गंदा भी हो गया है बट बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा वार्म भी रखता है। अगर आपको अब थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है तो वार्म भी रखता है। तो इसकी भी अगर लिंक मिलेगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मुझ पे कैसे लग रहा है। इसके बाद जो मैंने लिया है वो एक जंप सूट है। सो ये मैंने क्विज क्लोदिंग करके एक ब्रांड है उससे लिया है, लाइक क्विज आई डोंट नो इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है बट यहाँ पर उसका शोरूम है और उसमें बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही बीची टाइप के और बहुत अच्छा कलेक्शन होता है उनका। फॉर्मल वेयर बहुत अच्छा मिलता है उनका। सो ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से डबल फ्रिल टाइप है और ये पूरा लॉन्ग जंप सूट है और इसके जो लेग्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं। सो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और इसका प्रिंट बहुत सुंदर था, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको पिक किया। बहुत अच्छा लग रहा था पहनने पर।
और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, अच्छा है, सी थ्रू नहीं है बिल्कुल भी। और अगर थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है तो आप इसको पहन सकते हो, उसके ऊपर डेनिम जैकेट के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये। सो ये मैंने लिया है, इसका प्रिंट बहुत ब्यूटीफुल है और इसको मैंने आई थिंक 10 pound में लिया था, या 10 pound में लिया था। अब हम देखते हैं कि ये मुझ पर कैसे लग रहा है। इसके बाद मैंने एक्चुअली दो चीज़ें ली हैं, जो लास्ट दो चीज़ें ली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि आप सजेशंस दें कि इसमें से मैं कौन सी लूँ। लाइक मैंने एक्चुअली दो डेनिम जैकेट ली हैं। सो फर्स्ट मैंने ये न्यू लुक से ली है, इसका कलर कुछ इस तरीके से है, ये थोड़ी सी ओवर साइज है और थोड़ी सी लॉन्ग है और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक सी मुझे अच्छी लग रही थी मतलब ये, तो ये मैंने न्यू लुक से ली थी। अभी वहाँ भी सेल लगी हुई थी डेनिम्स में, तो ये मैंने 16 pound में ली थी और मुझे अच्छी लग रही थी। और न्यू लुक शायद मिंत्रा वगैरह पे मिल जाता है, तो इसकी लिंक मुझे मिलेगी तो मैं आपको दे दूँगी। सो इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हैवी है बट अच्छा है, मतलब स्ट्रेची है, अच्छा लगा मुझे मतलब। सो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। सेकेंड मैंने जो डेनिम जैकेट ली है वो मैंगो से ली है, इसका मटेरियल बहुत लाइट वेट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक इसका कलर इस तरीके का है। सो ये प्रॉपर जो नेवी ब्लू कलर होता है ना, वो वाला कलर है। और इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है, लाइक उसके जैकेट के कंपेरिजन में इसकी लेंथ शॉर्ट है। ये मुझ पर बहुत अच्छी लग रही थी, सो इसको भी मैंने पिक किया था। और हाँ एक चीज़ और, मैंने जो भी आपको कपड़े दिखाए उन सारी चीज़ों में मेरा साइज़ या तो स्मॉल होता है या फिर यूके में 8 size चलता है, तो वो मेरा साइज़ 8 है। सो इसमें भी मेरा साइज़ जो है वो 8 ही है, मतलब इसमें स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल टाइप था, तो इसमें जो मेरा साइज़ यूके साइज़ है वो स्मॉल है। सो स्मॉल साइज़ में लिया है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा था मुझे, उस वाले से इसका मटेरियल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये मैंने 20 pound में लिया था। ये तो अभी मैंगो पे अवेलेबल है और मैंगो आई थिंक इंडिया में भी अवेलेबल है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो हम देख लेते हैं कि ये मुझ पर कैसी लग रही है। आई लाइक दैट वन मोर। सो गाइज ये था मेरा एक छोटा सा हॉल वीडियो। लाइक मैंने कुछ अभी लिया था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो आई होप आप लोगों को ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो एक लाइक देने देना। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।